शाहिद आफरीदी में कोरोना वायरस की तशखीस पर पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाले गौतम गंभीर का रद्द अमल। साबिक भारतीय क्रिकेटर का कहना है कि मेरे शाहिद आफरीदी से हमेशा सियासी इख्तिलाफात रहे हैं, ताहम उम्मीद करता हूं कि वो जल्द मोहलिक वबा को शिकस्त देकर सहतयाब हो जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के मेहनाज क्रिकेटर और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी के कोरोना वायरस का शिकार होने पर भारत के साबिक क्रिकेटर गौतम गंभीर की जानिब से रद्द अमल दिया गया है। पाकिस्तान और शाहिद आफरीदी के खिलाफ हर वक्त जहर उगलते रहने वाले गौतम गंभीर ने पाकिस्तान के साबिक कप्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उनका कहना है कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद वो उम्मीद करते हैं कि शाहिद आफरीदी जल्द सहतयाब हो जाएंगे। एक जानिब जहां गौतम गंभीर ने शाहिद आफरीदी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, तो दूसरी जानिब इंतहा पसंद भारतीयों ने अपनी असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया को दिखा दिया। कई भारतीय सोशल मीडिया पर शाहिद आफरीदी की मौत की दुआ करते नजर आए। याद रहे कि शाहिद आफरीदी ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद कई साबिक भारतीय क्रिकेटर्स को भी अपने मुल्क से वफादारी साबित करने के लिए आफरीदी से दोस्ती खत्म करने का ऐलान करना पड़ा था। हफ्ते के रोज बूम बूम आफरीदी ने अपने ट्विटर पैगाम में बताया कि गुज़श्ता दो रोज से तबीयत नासाज थी, जिसमें शदीद दर्द और बेचैनी महसूस कर रहा था। कोरोना का टेस्ट किराया जो बदकिस्मती से मुसबत आया है। उन्होंने मजीद बताया कि खुद को घर में कर्तीना कर लिया है। कौम से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की अपील करता हूँ। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाए, साथ में बेल आइकन को दबाए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।